हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल जीके वितारजे में। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस 2019 का यह पहला पेपर है। इसके बारे में हम जानेंगे किस तरह के सवाल पूछे गए थे और किस कहाँ कहाँ से सवाल बने थे। हिस्ट्री के सवाल जो है दोस्तों थोड़े से टफ आ गए थे, ऐसा स्टूडेंट का मानना है। आप लोग देख ही सकते हैं, ये सवाल है स्क्रीन पर, आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। दोस्तों, जो सवाल है उसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और इसका डिफ़िकल्टी का लेवल क्या हो क्या था, मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, पहला सवाल पूछा है, ये तो थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल आते हैं। ये थर्मोडेरियन प्रतिक्रिया के बारे में समझाना था। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करिए। बिल ऑफ राइट्स के बारे में पूछा है, जो बिल ऑफ राइट्स थे 1789 के, उसके बारे में सवाल पूछा है। बाड़ाबंदी आंदोलन, दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जो कई स्टूडेंट का कहना ऐसा है कि ये सवाल हमने पढ़े ही नहीं और एग्ज़ाम में आ गए, तो देख सकते हैं आप लोग बाड़ाबंदी आंदोलन। उसके बाद ऋग्वैदिक पंचजन, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है। वसुबंधु और मौर्य काल में तीर्थ, तो दोस्तों मौर्यन डायनेस्टी से भी एक सवाल पूछा जा चुका है, तो इस समय जो है तीर्थ वगैरह के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। फिर अनवर ए सुलेही, तो दोस्तों ये पता नहीं है क्या किस तरह का क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर मालूम है तो ज़रूर बताइए। फिर दस्तक प्रथा के बारे में सवाल पूछा है। उल गुलान, तो दोस्तों उल गुलान जो है आप लोग जानते हैं ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, जो कि मुंडा रिवॉल्ट हुआ था 1799 में, उससे रिलेटेड है ये। शंकर साहब से भी सवाल पूछा गया है। भीमा नायक, ये निमाड़ से इनका संबंध है और इन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जेवीपी कमेटी, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की ये कमेटी है। उसके बाद सिवनी सत्याग्रह के बारे में भी सवाल पूछा है। भूमरा का मंदिर बाघ की गुफा है, जो कि धार में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये सवाल है जो कि 3 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे इस तरह के। उसके बाद ये है 6 अंक के सवाल है दोस्तों, और इनकी अधिकतम सीमा जो है आप लोग जानते हैं 100 वर्ड है। और पहला सवाल पूछा है कि यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट करिए। हाउ डिड दी मंगोल्स इन्फ्लुएंस दी यूरोप्स रेनेसां, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो दोस्तों मंगोल्स जो है उन्होंने यूरोपियन रेनेसां पे कितना इम्पैक्ट डाला, उसके बारे में वर्णन करना है। दूसरा सवाल पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम कैसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना है। एवेल्यूएट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलियम कैसर फॉर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो विलियम कैसर पे भी सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन, तो दोस्तों जो मगधन डायनेस्टी थी बिंबिसार की, तो इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे जा चुके हैं और इसके बारे में आपको वर्णन करना था कि किस तरह से बिंबिसार ने जो है मगध एम्पायर को एक्सपांड किया, किस तरह से इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज से जो है मगध एम्पायर को लगातार बढ़ाया, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। उसके बाद सवाल पूछा है नूरजहाँ ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो दोस्तों मुगल डायनेस्टी से भी सवाल पूछा जा चुका है और नूरजहाँ जो कि जहांगीर की वाइफ थी, इनसे रिलेटेड ये सवाल है और इन्होंने किस तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ पर। उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही है, ब्रिटिशर्स ने तो पूरा एक्सप्लॉइट करके रख दिया था इंडिया को, और जो है इसमें हमें डिस्क्राइब करना है इनकी जो पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इनके प्रभावों का वर्णन करना था। फिर सवाल है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए, रिवील द रीज़न फॉर द रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन द लाइट ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। तो दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाने के बाद, या ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाने के बाद, कौन कौन से रिवॉल्ट जो है वो जनरेट हुए और ट्राइबल रिवॉल्ट थे दोस्तों, इसके बारे में वर्णन करना था। तो 1770 के बाद से लेकर 1857 के बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे रिवॉल्ट जो है वो जनरेट हुए, जैसा कि संथाल रिबेलियन हो गया, कोल रिबेलियन हो गया, बुंदेला रिबेलियन हो गया, मुंडा रिबेलियन हो गया, तो इस तरह की चीज़ों का इसमें वर्णन करना था। अगला सवाल पूछा है दोस्तों कि भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ पे रेनेसांस से फिर से सवाल पूछा है कि
हाउ डिड द इंडियन रेनेसांस सपोर्ट द डिस्कवरी ऑफ एंशियन इंडियन हिस्ट्री, इसे एक्सप्लेन करना था। फिर अगला सवाल पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। थ्रो द लाइट ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मध्य भारत स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट सवाल पूछा है दोस्तों कि ब्रिटानी या ब्रिटिश शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया। तो दोस्तों ये अल्टीमेट रीज़न है, जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, उसकी वजह से जो है फेमाइन, पावर्टी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है इन्हीं की वजह से आई थी। और सवाल भी पूछा है कि ब्रिटिश रूल इंक्रीज दी पावर्टी इन इंडिया, तो पावर्टी जो है ब्रिटिश रूल की वजह से कैसे बढ़ी, इसके बारे में वर्णन करना था। अगले सवाल में पूछा है मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तो दोस्तों ये जो है 100 वर्ड में इसे लिखना था, मालवा उत्सव पर टिप्पणी। उसके बाद पूछा है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था। तो दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं, जैसा कि आप लोग जानते ही है, ये विदिशा में है, और जो है इसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना था। उसके बाद जो है सवाल पूछा है अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन कीजिए, डिस्कस द रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अमरकंटक। तो दोस्तों रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में हमें वर्णन करना है। और अमरकंटक जो है, यहाँ से आप लोगों को पता ही है 3 रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे कुछ कुछ टेंपल्स वगैरह भी है, इनसे रिलेटेड आप लोगों को जो है सवाल में आंसर लिखने थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें पूछा है कि पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ रेनेसॉ। तो दोस्तों पुनर्जागरण या रेनेसॉ, जैसे कि आप लोग जानते ही है, रीबर्थ इसका मीनिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था सोसाइटी में, जितना भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अलग अलग प्रकार के चेंजेस आए थे सोसाइटी में, कई सारे जो कंटिनेंट्स है उसकी डिस्कवरी हुई थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा फैल गई थी, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी खोज करी गई थी, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है उसकी खोज हुई थी। उसके बाद साथ ही साथ जो है आप लोगों का कंपास जो है उसकी खोज हुई थी। फिर तो दोस्तों ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को इसमें इसका वर्णन करना है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर इसके अथवा में सवाल भी पूछे हैं दोस्तों, मैंने ये बताना भूल गया, इसमें सवाल पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन करना था। तो दोस्तों पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति थी उसका वर्णन करना था। दोस्तों इसमें हमें लिखना था किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल करते थे, किस तरह का ट्रेड जो है वो किया जाता था इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको वर्णन करना था। और साथ ही साथ जो है सोसाइटी के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें बतानी थी। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही है, जो गुप्त काल है उसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे जो है ढेर सारे इनोवेशंस हुए थे, तो इस पर सवाल बन गया। ये क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुप्ता पीरियड। फिर तो दोस्तों गुप्ता पीरियड जो है आप लोग जानते ही है, यहाँ पे आर्ट और कल्चर जो है इसका ग्रोथ हुआ था, आर्किटेक्चर का ग्रोथ हुआ था, अलग अलग प्रकार की जो केव्स है उसका निर्माण इन लोगों ने किया था। इस समय जो है लोगों की कंडीशन जो थी वो थोड़ी अच्छी हो गई थी, तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें इसमें बताना है। फिर सवाल पूछा है चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसके पीछे जो है कौन कौन से कारण थे उसका वर्णन करना था। तो दोस्तों ऐसा ढेर सारे कारण थे, जिसमें आप लोग जो है कारण बना बना करके लिख सकते हैं आंसर में, जैसे सोशल रीजंस बना सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस बना सकते हैं, और इकोनॉमिक रीजन, तो ऐसे 3-4 पार्ट में आप लोग डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते थे। तो दोस्तों ये है हिस्ट्री का पार्ट, तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया कम्प्लीट। हिस्ट्री में इस तरह के सवाल पूछे गए थे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इसका डिफ़िकल्टी का लेवल जो है वो कैसा था, डिफ़िकल्टी ज़्यादा हाई थी या लो थी, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों जियोग्राफी जो है स्टूडेंट का मानना है कि जियोग्राफी के क्वेश्चन जो है वो ईजी आए थे, तो एक पार्ट जो है वो डिफ़िकल्ट था और दूसरा पार्ट जो है वो ईजी था। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत को कितने भू आकृति विभागों में बांटा गया है, इंडिया इज़ डिवाइडेड इन हाउ मेनी जियोग्राफिकल डिविजन्स। तो दोस्तों
अलग अलग इधर जो है इंडिया को फिजिकल डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गया, हिमालय हो गया, आइलैंड हो गया, कोस्टल आइलैंड्स वगैरह हो गए, तो इस तरह से जो है इसके फिजिकल डिविजन्स है उनके नाम लिखना था और वो कितने थे ये बताना था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखना था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो आप लोगों को पता ही है, यूपी में है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ कुछ नाम लिख देने थे यहाँ पे, यही सवाल पूछा है। उसके बाद पूछा है भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम। तो दोस्तों आप लोग जानते ही है एमपी जो है, एमपी में तांबा या कॉपर का प्रोडक्शन बहुत होता है। उसके बाद राजस्थान का आप लोगों को नाम लिख देना था, और साथ ही साथ जो है तीसरा राज्य आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर चंबल नदी के उद्गम को समझाना था। तो दोस्तों चंबल नदी जो है ये जाना पाओ कि पहाड़ी से निकलती है महू से, और महू जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी लंबाई जो है ऐसा कुछ कुछ आप लोगों को ले देना था, 1040 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है, और चंबल नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अगला सवाल पूछा है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम। तो दोस्तों 3 नाम बता देना था आप लोगों को, जैसे असम का एक तो डिगबोई हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, और कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसके बारे में जो है आप लोग नाम लिख सकते थे। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टोपोग्राफिकल फीचर्स जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालते हैं इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को, और टोपोग्राफी की वजह से ही जो है कैनाल इरिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी लिख सकते थे कि 20% जो है इरिगेशन कैनाल के थ्रू होता है मध्य प्रदेश में। फिर सवाल पूछा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम बताना है। तो दोस्तों वीट, राइस और ग्राम जो है ये थोड़ा यहाँ पर इसकी फसल जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से नाम लिख देने थे, ये भी सवाल इजी था। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में समझाना था। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का काम क्या होता है कि जो जो भी मतलब फूड आइटम्स होता है उसको लंबे समय के लिए प्रिजर्व करना। उसके बाद पूछा है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिज़ास्टर क्या होती है, एग्जाम्पल देना है। तो दोस्तों नेचुरली जो अकर होती है या नेचुरल तरीके से जो डिज़ास्टर होती है वो नेचुरल डिज़ास्टर कहलाती है। और क्या है इसमें आप लोगों को कुछ कुछ नाम दे देना था, जैसे वॉल्केन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, इस तरह से इस सवाल का आंसर बन जाता। फिर अगला सवाल पूछा है दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय। तो दोस्तों सॉइल इरोजन जो है, सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देना था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल या अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को इसके मेजर्स बताने थे। तो दोस्तों कंटूर फार्मिंग, नो टिल फार्मिंग और अफोरेस्टेशन, ये कुछ कुछ आप लोगों को मेजर्स लिखने थे। फिर अगला सवाल पूछा है दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई। तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो आप लोग जानते ही है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, धूपगढ़। फिर सवाल पूछा है मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम। तो दोस्तों 3-4 जो है डिस्ट्रिक्ट के आप लोगों को नाम लिख देने थे। अगला सवाल पूछा है मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिले। तो दोस्तों सबसे कम तो जो है वो अलीराजपुर में है, और सेकंड जो है उसी के आसपास का सराउंडिंग एरिया झाबुआ वाबुआ में होगा शायद, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और फिर अगला सवाल पूछा है दोस्तों कि पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ होती है, तो ये भी सवाल पूछा गया है। उसके बाद पूछा है कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ कौन कौन सी होती है, व्हाट आर दी इजेंशियल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर दी एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भाई कितनी इसको रेनफॉल चाहिए होती है, तो लगभग जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसके रेनफॉल चाहिए होती है, और लगभग 200 दिन ऐसे चाहिए होते हैं जो कि फ्रॉस्ट फ्री हो या बारिश बारिश ना हो, जिससे क्या है इसकी क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाती है। तो इस तरह की कुछ कुछ कंडीशन, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दोस्तों लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर होना चाहिए, तो ऐसी कुछ कुछ बातें इसमें लिखनी थी। फिर तो दोस्तों ये सवाल तो हो गया ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें सवाल पूछा है कि कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बताना था। तो कास्ट टोपोग्राफी का वर्णन करना था। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का योगदान क्या है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेट स्ट्रीम इन दी इफेक्टिविटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इसके बारे में वर्णन करना था। फिर सवाल पूछा है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करना था। तो दोस्तों एक तो आप लोग मध्य प्रदेश का लिख सकते हैं, चंबल रिवर वाला जो एरिया है वो,
और थोड़ा बहुत एरिया जो है गंगा के आसपास का भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल जो है पूछा गया था। उसके बाद पूछा है कि भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए, राइट अबाउट दी मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडिया। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का संक्षिप्त विवरण दीजिए, गिव दी ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रीजनल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और किस एरिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब आप लोग जानते हैं ये भोपाल में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंदौर में है, उसके बाद जबलपुर में है। तो ये तीन शहरों के नाम आप लोग जो है वहाँ पे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो डिंडोरी है, डिंडोरी में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग बता सकते हैं कि एमपी में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 236 के अराउंड है, और इसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से। जैसे इंडिया में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है, और मध्य प्रदेश में जो है 236 के अराउंड है। तो इसे थोड़ा सा कंपेयर करके भी आप आंसर में इसे शामिल कर सकते थे। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, इसका वर्णन करना था। अब जैसे आप लोग देखिए ये मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश है दोस्तों। आप लोगों को मैप बनाना था और मैप के थ्रू जो है इसे समझाना था। तो ये जो है ये साउथ ईस्ट जो मानसून है, सॉरी दोस्तों मैप जो है वो गायब हो गया, ये मान लीजिए मैप है, तो ये मैप है। तो मध्य प्रदेश जो है वो दो ब्रांचेस से रेनफॉल रिसीव करता है, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से और दूसरा है अरेबियन सी ब्रांच से। तो दोस्तों ये दो ब्रांच से ये रेनफॉल रिसीव करता है। जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा रेन, मतलब इस एरिया में ज़्यादा रेन होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लोगों को आंसर लिखने थे। अब सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रिसीव करते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना था। तो इस तरह से जो है इसका आंसर बन जाता। फिर उसके बाद पूछा है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो दोस्तों एक तो ये है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ये लिखना था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों को परसेंटेज पता है तो लगभग 62% के अराउंड जो है इसका प्रोडक्शन होता है, और एमपी जो है वो पहली रैंक रखता है सोयाबीन के प्रोडक्शन में। और उसके बाद जो है आप लोगों को एक मैप बना करके जो है सोयाबीन के जो एरियाज़ है उसका वर्णन कर देना था। जैसे इस एरिया में जो है सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैप के थ्रू आप लोग जो है समझा सकते थे। तो ये ऐसा आंसर बन जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है अगला सवाल पूछा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जैसे बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, जबलपुर हो गया, इन एरियाज़ में क्या है कि मैंगनीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन एरियाज़ के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना था, और मैंगनीज जो है ये कहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और किन किन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता था। इस तरह से जो है एक आंसर फॉर्म हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद सवाल पूछा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा मालवा पठार की भौतिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश को अलग अलग पार्ट में, मतलब फिजिकल डिवाइड किया गया है, तो लगभग 7 पार्ट में जो है इसका फिजिकल डिवीजन है, और 7 पार्ट में आप लोग नाम जानते ही है। सातों के सातों नाम आप लोगों को लिखना था। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, विंध्या प्लेट्यू हो गया, उसके बाद जो है दोस्तों कि नर्मदा सोन वैली हो गया, बुंदेलखंड बघेलखंड, तो इस तरह से इन सातों के नाम लिख देना था। और उसके बाद इसमें पूछा है तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मालवा प्लेट्यू जो है इसको वर्णित, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन देना था। तो इस तरह से ये सवाल बन जाता। फिर पूछा है कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण। दोस्तों विंध्यान रॉक्स जो है इसके बारे में वर्णन करना है। उसके बाद सवाल पूछा है मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग जो है उसकी थोड़ी बहुत एक ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। 1922 में जो है पहला प्लांट सेटअप होता है, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सेट होता है। और सबसे मेन चीज़ तो ये कि ये मध्य प्रदेश तो उस समय तक फॉर्म होता नहीं है 1922 में। तो आप लोगों को लिखना है कि जो सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंसेस में जो है 1922 में एसीसी के द्वारा पहला प्लांट जो है सेटअप किया जाता है इधर सतना, सतना या सीधी के अराउंड। तो इस तरह से जो है यहाँ का आंसर निकल जाता है। और आप लोगों को जो है फिर से एक मैप बना करके इसको डिस्क्राइब करना था। तो मैप आप बनाएंगे ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो मैप जो है आप लोगों को बनाना है, ये तो समझ लीजिए कि जियोग्राफी में आप लोग अगर मैप नहीं बनाते तो बहुत दिक्कत है।
तो दोस्तों जो इस एरिया में जो है ना सीमेंट की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेट करी गई है। और यहाँ पे सेट करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं सीमेंट बनाने के लिए उसकी माइंस वगैरह अवेलेबल है। तो इंडस्ट्री और जो माइंस, ये दोनों अगर आसपास में होती है तो इससे क्या होता है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी आप बोल लीजिए, ये थोड़ा सा कम लगता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ इसके आसपास सेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर बन जाता है आप लोगों का। उसके बाद पूछा दोस्तों कि भुज का जो भूकंप है जो कि 26 जनवरी 2001 को हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना था। तो दोस्तों इसके बारे में जो है आप लोग समझा सकते हैं एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे करके कि भाई इसमें लगभग 7.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है भुज में, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस पर अफेक्ट होती है उनके नाम लिख देने थे, और उसके बाद जो है कितने लोगों की इसमें जान जाती है, कौन कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ आंसर आप लोगों को बना करके लिखने थे, और गवर्नमेंट जो है इसमें किस तरह से मतलब हमें हेल्प प्रोवाइड करती है, इन सब चीज़ों का वर्णन आप लोगों को करना था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में अपवाह तंत्र की तुलना, तो दोस्तों जो ड्रेनेज पैटर्न है नॉर्थ और साउथ इंडिया में इसके बारे में वर्णन करना था। तो दोस्तों जो नदर्न रिवर है और सदर्न रिवर, इसका कंपैरिजन आप लोगों को करना है यहाँ पे। अब आप लोग जानते ही है कि जो नदर्न रिवर है ये इनका ओरिजिन होता है हिमालय से, और ये पेरिनियल रिवर है, और सारी की सारी रिवर जो है ये ईस्ट में फ्लो होती है। तो ये सब बातें आप लोगों को लिखनी थी आंसर में। और सदर्न रिवर जो होती है ये नॉन पेरिनियल टाइप की रिवर है, इसमें 12 वर्ष जो है पानी नहीं रहता। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को नदर्न रिवर्स और सदर्न रिवर्स के नाम भी लिख देने थे। अब नॉर्थ में कौन कौन सी रिवर है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जैसे यमुना है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज है, इनके नाम लिख देने थे। अब सदर्न रिवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें महानदी हो गई, आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो ये 4-5 रिवर्स के आप लोगों को नाम लिखना था, और इस प्रकार से आप कंपेरिजन कर सकते थे। फिर दोस्तों इसके अथवा में सवाल पूछा है कि जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई की नई तकनीकों का विवेचना करना था, डिस्कस दी न्यू टेक्निक यूज्ड इन इरिगेशन फॉर प्रूडेंट यूज़ ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसे जो है इसका वर्णन करना था, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जा सकती है इरिगेशन में। उसके बाद सवाल पूछा है कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन, तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। अब वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, अब जैसे जूट इंडस्ट्री हो गया, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ये भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उसके बाद दोस्तों जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, ये भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़, तो दोस्तों ये 4-5 इंडस्ट्रीज़ का आप लोगों को वर्णन करना था, और ये इंडस्ट्रीज़ जो है किस किस लोकेशन पे सेट करी गई थी, और साथ ही साथ यहाँ पे आप फिर से एक मैप बना सकते थे। तो दोस्तों मैप जो है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप मैप बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलते हैं। उसके बाद सवाल पूछा है कि आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है इससे भी सवाल पूछा गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, और जैसे आप लोग इसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो कानून बनाया गया है उसका भी वर्णन कर सकते थे। और साथ ही साथ जो है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और ये किस तरह से जो है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन हमें प्रोवाइड करता है डिज़ास्टर के समय पे, इन सारी बातों का वर्णन करना था। अब दोस्तों जो आप लोग जो है 3 संस्थाएं भी इसमें लिख सकते थे, जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद स्टेट पे स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी आप वर्णन कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के वितरण का वर्णन करना था, तो दोस्तों इसमें भी आप लोग जो है मैप के थ्रू आप लोग इसका वर्णन कर सकते थे। तो ये मान लीजिए मध्य प्रदेश का मैप है, तो इस प्रकार जो है आप लोग इसे डिवाइड कर लीजिए, कौन कौन सी जनजाति किस किस एरिया में पाई जाती है आप लोगों को यहाँ लिख देना था। जैसे दोस्तों यहाँ पे भील जो है इस एरिया में पाई जाती है वेस्टर्न पार्ट में, और यहाँ पे जो है कोरकू जनजाति वगैरह पाई जाती है,
और यहाँ पे जो है कोल जनजाति पाई जाती है तो ऐसे, और यहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो इस तरह से कुछ कुछ जनजातियों का आपको वर्णन कर देना था। और साथ ही साथ जो है मतलब मैप बनाना तो आप लोगों के लिए ज्योग्राफी में कंपलसरी है, अगर आपने मैप नहीं बनाया तो जो है ये आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा करने वाला है, समझ लीजिए नंबर कम आएंगे ऐसे में। उसके बाद जो है सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण है, वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों का की विवेचना करिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप लोगों को जो है इसका ओरिजिन हुआ था इंडोनेशिया के आसपास में, और जो है इसका जो इसकी वजह से अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक जो था वो 9.2 इंटेंसिटी के अराउंड कुछ था, इसकी वजह से जो है वो सुनामी जनरेट हुई थी इंडियन ओशियन में। अब इस इंडियन ओशियन को जो है आप लोगों को फिर से यहाँ पे एक मैप बनाना है। मान लीजिए मैं एक मैप बना देता हूँ, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, और उसके बाद ये सराउंडिंग एरिया है इंडिया का, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पे ये सुमात्रा आइलैंड वगैरह है, और ये इंडोनेशिया इधर कहीं आसपास में है। तो दोस्तों यहाँ कहीं जो है ना आप लोगों का अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हुआ था, और इसकी इंटेंसिटी जो है 9.2 के अराउंड थी। उसके बाद जो कौन कौन से एरियाज़ अफेक्ट हुए थे इससे उसके बारे में लिख देना है। तो दोस्तों ऐसा जो है आप लोग एक मैप बना सकते थे, तो ये मैप बना दिया हमने समझ लीजिए। और उसके बाद जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ इससे अफेक्ट होगी, एक तो इंडोनेशिया होगी, श्रीलंका होगी, इंडिया होगी, बांग्लादेश हो जाएगी, म्यांमार होगी, थाईलैंड होगी। तो इन सभी कंट्रीज़ में किस किस तरह से जो है क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कितना नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों का आप लोगों को वर्णन करना था। तो दोस्तों इस तरह से जो है एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे, जो है अगर आप लोगों को किसी चीज़ में डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं पता थे, तो आप लोग जो है अगर आप लोगों को उसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए, मैं जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उससे पढ़कर आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, कल का जो पेपर होगा मैं कल का पेपर भी इसी तरह से डिस्कस करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों 6 जो पेपर होंगे पूरे, मैं ये सारे के सारे पेपर जो है डिस्कस करता चला जाऊंगा, आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल पॉलिटी के पेपर में, पार्ट जो हमारा पेपर होगा GS2 का, उसे डिस्कस करूंगा मैं कल। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।